वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज देखो मैं किचन में हूँ। आज कुछ केक बनाने की सोच रही हूँ, फ्रूट्स केक, प्लम केक। तो कोशिश कर रही हूँ, तो पहले ही मैंने जो किया, जितना भी ड्राई फ्रूट्स था मेरे घर में, ऑरेंज था तो ऑरेंज को थोड़ा बीच में से काट के उसको भिगो दिया। पहले आप में एक कटोरी भर के मैदा ले लिया, एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, बड़ा बड़ा 2 से 2.5 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर लेके पूरा अच्छे से मिक्स करके इसको छान रही हूँ। इसे छानने से अच्छे से मिक्स हो जाती है। फिर इसमें 2 अंडे दे दिया मैंने, और इसके साथ ही जिस कटोरी में नाप के मैंने मैदा लिया था उसी कटोरी में 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया। फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स करूँगी। आप मुझे बनाना है कैरामेल, तो कैरामेल बनाने के लिए मैं जिस कटोरी में मैदा लिया था उसका सेम में, अगर किसी को मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो भर के एक कटोरी ले लेना। मैंने थोड़ा सा मीठा कम देती हूँ तो इसलिए एक कटोरी से थोड़ा कम मैंने चीनी गैस डाल के थोड़ा उसमें पानी ऐड करके इसको कैरामेल बना रही। पूरा कैरामेल बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के थोड़ा उबाल लेना, नहीं तो मिक्स करने के टाइम ये बैट जम जाती है, फिर अच्छे से मिक्स नहीं कर पाऊँगी हम। अब देखो मेरा कैरामेल ऑलमोस्ट रेडी हो गया, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गई। अब मैंने जो इसमें डो बना रही, मतलब मिक्स कर रही थी, इस कैरामेल को इसके अंदर मैंने डाल देंगी। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इससे थोड़ा सा पानी, जितना ड्राई हो गया अब मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको पूरा मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा पानी हल्का सा गर्म हुआ तो अच्छा होगा, तो मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था पानी को, तो अच्छे से मैंने इसका मिक्स बना लिया। देखो ये पूरा ऐसे मैं रेडी हो गई। अब मैंने जो भिगा के रखा था ड्राई फ्रूट सब मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर ये रस नहीं डालनी है, बस छान के वो वाला ड्राई फ्रूट से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अब इसको केक टिन में डाल दिया। थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके इसको केक टिन में अच्छे से डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा टैप कर लूँगी जो इसके अंदर हवा भर गया हो तो वो ठीक से बैठ जाएगी और अच्छे से फूल भी जाती है। फिर अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट दे दिया, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए अच्छी भी लगेगी देखने के लिए। अभी तो मैं OTG में बना रही हूँ, तो OTG 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 30 मिनट के लिए मैंने इसको कर दूँगी। पहले मैं 180 डिग्री में प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स, फिर इसके अंदर मैंने केक टिन को अंदर डालूँगी। मेरा टाइम हो गया, अब केक टिन मैं अंदर डाल के फिर होने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ जो कैसे लगे। देखो मेरा केक बिल्कुल बन के रेडी है, अब मैं इसको निकालूँगी। देखो मेरा प्लम केक बिल्कुल रेडी है, इसका खुशबू बहुत अच्छा सा आ रही है। अब मैं धीरे धीरे इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसका निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ जो कैसे सॉफ्ट सा पॉन्जी सा बहुत टेस्टी केक बनाए। घर में बनाने की को बना के बताना जो ये केक आप लोगों को बना के कैसे लगा। देखो पहले मैंने साइड से काट लिया, अब मैं इसके अंदर प्लेट के अंदर डाल दिया। नहीं देखो मेरा केक टिन बिल्कुल खाली है, अब मैं काट के दिखा रही हूँ। बिल्कुल अभी तक इसका धुआं चल रहा है, बहुत स्पॉन्जी और अच्छा सा टेस्टी एक केक बना है। घर में बना के ज़रूर बताना। अगर जिसके घर में ओवन OTG वगैरह नहीं है वो कढ़ाई के ऊपर छोटा पतीला रख के भी बना सकते हो। ये देखो मैंने दूसरा एक छोटा केक बनाया, वैसे करके भी आप सेम प्रोसेस में बना सकते हो। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक बटन पर प्रेस कर जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको तो बहुत थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।